बिग बॉस के विनर रह चुके प्रिंस नरूला और उनकी पत्नी युविका चौधरी को डेंगू होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रिंस नरूला ने लोगों को बचने के लिए मास्क पहनने की अपील भी की है। जी हां दोस्तों, बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला और उनकी पत्नी युविका चौधरी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपको बता दें कि प्रिंस नरूला और उनकी पत्नी डेंगू के वायरस का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रिंस नरूला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही बिग बॉस सीजन 9 के विनर होने की वजह से उन्हें लोगों का काफी प्यार भी मिलता है। सोशल मीडिया पर प्रिंस नरूला की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। प्रिंस टाइम टाइम पर खुद से जुड़े अपडेट शेयर करते रहते हैं फैंस के साथ। हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें वो अपनी पत्नी को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई ये तस्वीर हॉस्पिटल की है। तस्वीर को शेयर करते ही नरूला ने लिखा है कि वो और उनका परिवार जल्द ही इस वायरस के संक्रमण से निजात पा लेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी लोग चंडीगढ़ की तरफ रह रहे हैं, ये सफर कर रहे हैं, वो लोग मास्क जरूर लगाएं। उनका कहना है कि ये टाइम इस वायरस हवा के जरिए काफी तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में प्रिंस नरूला के साथ उनकी पत्नी युविका चौधरी भी एडमिट है। प्रिंस नरूला की पत्नी युविका चौधरी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी है कि तबीयत के खराब होने की वजह से उन्होंने कोई शो नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया है। उनका कहना है कि वो इस बात का शुक्र मना रही हैं कि उन्हें और उनके परिवार को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, युविका चौधरी और प्रिंस नरूला दोनों ही एडमिट है चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में और उन्हें डेंगू बताया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों ने अपने फैंस से मास्क लगाने की अपील भी की है।